और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर भूमि पूजन की वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम में अयोध्या पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर निर्माण के कामकाज का उन्होंने जायजा लिया है। आज भव्य कार्यक्रम है और अन्य परियोजना की शुरुआत भी वहां से करने वाले हैं, जिससे यूपी के 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। जो गरीब परिजन है उनके, जो गरीब लोग हैं उनके परिवार को, पर परिवार को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। मंदिर निर्माण के कार्य का जायजा लेने के लिए, चूंकि 1 साल हो गया है अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन को, उसकी सालगिरह के मौके पर विशेष पूजा अर्चना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। कामकाज की समीक्षा के साथ साथ कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, चूंकि और ये भी कहा जा रहा है कि 2023 तक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और लोग वहां पहुंचकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, विशेष पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये वो उस भव्य मॉडल के साथ जो जल्द ही बनकर तैयार होगा। ॐ दीर्घाय स्थोकले घनिदास्मै तद्वाखनाम्यहम् अथोत्वं दीर्घाय भूत्वा शतवले साभ्येव। तो ये विशेष पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं उसी को जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अविनाश के पास, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। अविनाश हमारे संवाददाता। अविनाश बताइए, अभी हम विशेष पूजा अर्चना की तस्वीरें देख रहे हैं, आगे मुख्यमंत्री के और कौन कौन से कार्यक्रम है? अविनाश आवाज आ रही है? अविनाश से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भूमि पूजन की सालगिरह पर ये विशेष पूजा अर्चना चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये वो भव्य मॉडल राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का, जो जल्दी बनकर तैयार होगा, जिसके लिए दिन रात काम किया जा रहा है। 2023 तक जो आम लोग हैं यहाँ पहुँच कर रामलला के दर्शन कर पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, भूमि पूजन को 1 साल, और उधर कश्मीर के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। आपको बता दें, अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल के मौके पर आज खास तैयारी की गई है। 1 साल को बेमिसाल बनाने की तैयारी है। 1 साल में अयोध्या में क्या कुछ बदला है, क्या है तैयारी, ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश दुनिया में होगा इसका नाम, सबसे पावन अयोध्या धाम। भगवान राम की नगरी अयोध्या बदल रही है। दिव्य और भव्य अयोध्या के निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। 107 एकड़ में मंदिर परिसर का होगा निर्माण। अयोध्या धाम में होंगे 8000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर। आधुनिक शहर की सुख सुविधाओं से लैस भारत की प्राचीन धार्मिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में उभरेगी अयोध्या। वो तारीख थी 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी थी राम मंदिर की आधारशिला। इस भव्य आयोजन को पूरे देश और दुनिया ने वर्चुअली देखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी की ईंट और चांदी के फावड़े के जरिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस आधारशिला के जरिए करोड़ों राम भक्तों का सदियों का इंतजार पूरा हुआ। आधारशिला रखने के 1 साल पूरा होने के मौके पर अयोध्या में क्या बदला, इसे समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। वैसे तो पिछले 4 सालों में अयोध्या में विकास की कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई, लेकिन देखा जाए तो जब से अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई उसके बाद से जो विकास के कार्य हैं अयोध्या में उनमें काफी तेजी देखी जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राम की पैड़ी की तस्वीर है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रहता था, लेकिन अब राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती के साथ, इसको कह सकते हैं कि इसका निर्माण कराया गया, और लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में
स्नान करने भी आते हैं, क्योंकि जो पानी होता है बिल्कुल साफ होता है। राम की पैड़ी की तस्वीर पूरी तरह बदली नजर आती है, साफ सुथरी भव्य और दिव्य अयोध्या नगरी। अयोध्या में जो बदलाव हुआ उसके बारे में क्या कहते हैं लोग, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पहले के समय में यहाँ पे तो कूड़ा का ढेर लगा था, जब से योगी जी आए हैं यहाँ पे बहुत परिवर्तन हो गया है। यहाँ पे जल का सफाई, राम की पैड़ी और ग्रीन पार्क, वाटर पार्क, तमाम परियोजना का शिलान्यास किए और यहाँ पे अधिकतम से अधिकतम समय देते हैं। अयोध्या में हर जगह मंदिरों का मतलब नवीनीकरण, उसके बाद विस्तार उनका, और जो है सब सफाई सुरक्षा, और उसके बाद फिर शिक्षा भी अच्छी, शिक्षा जगत में भी अच्छा चल रहा है उनका। आस्था का केंद्र है अयोध्या, यहाँ कणकण में बसे हैं राम। धर्म के इस केंद्र को विकास के जरिए भव्य बनाने की कोशिश हो रही है। नई अयोध्या की भव्यता के कई प्रतीक सामने आ रहे हैं। आज विकास की गंगा ये अयोध्या के धरती से ये बहना चालू हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश सोने की चिड़िया जो कहलाई जाती थी, अब ये सोने की चिड़िया पूरी भव्यता से दिखेगी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के एक साल पूरा होने पर राम की नगरी में खास आयोजन की तैयारी है। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान की भूमिका में होंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख संत महंत भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर रामलला के दर्शन करेंगे, विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, इसके साथ ही दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पिछले चार सालों में योगी सरकार ने अयोध्या में विकास की कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी। जो योजनाएं शुरू की गई उसका असर अब जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। इसी सरकार में अयोध्या में सभी यात्री सुविधाओं से सुसज्जित एक भव्य बस अड्डे का निर्माण कराया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, तकरीबन 6 एकड़ में इस बस अड्डे का निर्माण कराया गया है और यहाँ पर एक साथ लगभग 50 बसें खड़ी हो सकती हैं। देखा जाए तो यहाँ से बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। एक साल पहले भूमि पूजन का वो पल ऐतिहासिक था, पूरे भारतवर्ष के लिए वो सुखद क्षण था। विशेष कार्यक्रमों के जरिए उस खास पल को एक बार फिर याद किया जाएगा। अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। देश विदेश के करोड़ों राम भक्तों का सपना अब पूरा होने वाला है। सालों से भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के इच्छुक राम भक्तों की इच्छा 2023 में पूरी हो जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि राम भक्तों का इंतजार अब जल्दी खत्म होगा और 2023 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। यही जन्मभूमि है परम पूज श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। अब खत्म होने वाला है राम भक्तों का इंतजार। सिर्फ 2 साल बाद वो खास दिन आने वाला है जब राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अपने राम लला का दर्शन कर पाएंगे। राम लला को भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। दावा किया जा रहा है कि 2023 तक मंदिर के प्रथम तल को तैयार कर दिया जाएगा और उसमें राम लला को प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु अस्थायी मंदिर की जगह रामलला का दर्शन उनकी जन्मभूमि में ही कर सकेंगे। पहला दर जो है वो हम 2023 तक तैयार कर लेंगे और रामलला को पधरा देंगे। तो दो रामलला का जो दर्शन होगा भव्यदीप मंदिर में बात बनता रहेगा, लेकिन पहले दर में भगवान रामलला को पहले तल का निर्माण हो जाएगा 23 तक, और 23 अंतिम वर्ष माने नवंबर दिसंबर तक रामलला उसमें पधर जाएंगे। भव्यदीप जो स्वरूप है वो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों को उपलब्ध होगा। साफ है कि सिर्फ 2 साल का इंतजार करने के बाद राम भक्तों के लिए वो भव्य दिन आ जाएगा जिसका हिंदू समाज को सालों से इंतजार था। 2 साल में राम भक्तों के रामलला को अपना स्थान भी मिल जाएगा और श्रद्धालुओं के मन में रामलला को अभी तक टेंट में देखने की कसक भी मिट जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने 2023 से जन्मभूमि मंदिर में हो सकेगा रामलला का दर्शन। 2025 तक हो जाएगा भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। 2023 तक जन्मभूमि मंदिर में रामलला को प्रतिष्ठित करके
मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि 2023 तक गर्भगृह और पहले माले का काम पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु 2023 से गर्भगृह में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2023 में ही मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर के गर्भगृह और पहले तल का निर्माण हो जाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे जरूर खुल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मंदिर के दूसरे और तीसरे तल के निर्माण का काम भी जारी रहेगा, ताकि हर हाल में 2025 तक मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाए। जब से अयोध्या में आधारशिला रखी गई, तब से लेकर अब तक राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो तेजी के साथ जारी है। अभी चूंकि जो मंदिर का निर्माण है उसकी नींव का काम चल रहा है, और अभी तक तकरीबन 24 लेयर, जो नींव में 24 लेयर थे, उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चूंकि 44 लेयर का काम होना है, और ये उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक जो नींव निर्माण का काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ट्रस्ट की योजना है कि 2023 तक जो गर्भगृह का काम है और जो पहले तल का काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। हालांकि उसके बाद भी चूंकि 3 फ्लोर का पूरा मंदिर बनना है, 3 माले का मंदिर बनना है, लेकिन उसको बनने में थोड़ा समय लगेगा, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक जो भव्य राम मंदिर होगा वो अयोध्या में बनकर तैयार हो। अयोध्या में राम मंदिर जल्द से जल्द बने, इसके लिए 2 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उसके बाद मार्च से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। राम मंदिर परिसर में सुरक्षा के बीच चाक चौबंद इंतजाम है। 24 घंटे परिसर की निगरानी की जा रही है, इसके लिए वॉच टावर और CCTV लगाए गए हैं। जाहिर है कि पिछले साल हुए भूमि पूजन के बाद से अभी तक काफी काम हो चुका है, और अगर काम की यही रफ्तार बनी रही तो 2023 से हर श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।